आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सा ये नाश्ता, बहुत ही यूनिक और नया बनेगा। इसे बनाने के लिए गैस पर एक पैन में 1 कप हम पानी डालेंगे। पानी को गर्म कर लीजिए। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच हम अजवाइन को यहाँ पे ग्रेट करके डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किए हैं, आप इसके जगह बटर भी ले सकते हो, बस सरसों का तेल नहीं डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पालक। तो हमने यहाँ पे बंच पालक को अच्छे से धो लिया था और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो इस रेसिपी में आप पालक को बिल्कुल बारीक काट के चाकू से डालेंगे और पालक का पेस्ट नहीं बनाएंगे। और अच्छे से पालक डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक पालक को हम यहाँ पे इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि पालक हमारे पक जाए और इसका कच्चापन चला जाए। तो पालक में हम यहाँ पर उबाल आने देते हैं। तो पालक को यहाँ पे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, पालक हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप यहाँ पे चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पालक के साथ। आप इस रेसिपी में चावल के आटे की जगह सूजी भी ले सकते हो, लेकिन जब आप सूजी डालें तो बिल्कुल बारीक उसे पीस के डालें। तो हम यहाँ पे चावल का आटा लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे यहाँ पर ये डो की फॉर्म में यहाँ पे आने लगा है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे दूसरे बर्तन में हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 5 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों में हल्का सा तेल लगा लीजिए ताकि ये चिपके नहीं, और बिल्कुल यहाँ पे आटे की तरह इसे हमने सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके पेड़े बना के पहले इसे चिकना कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी बचे हुए सभी पेड़े को हमें बना के तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे बेलेंगे। तो इसे बेलने के लिए आप इसे छोटा बड़ा कोई भी आकार में इसे बना सकते हो। अगर ये साइड से थोड़े से क्रैक्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे काटेंगे। तो काटने के लिए हमने यहाँ पे जो टिफ़िन होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह ग्लास, कोई भी कटोरी या कुकी कटर भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा छोटा बना सकते हो। हमने इसे थोड़ा सा मोटा ही बनाया है ताकि तेल में जाने के बाद ये अच्छे से फूले। इसी तरीके से हम एक नाश्ता आपको बना के फिर से दिखाते हैं। थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे पेड़े लीजिए, उसे बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा आप नहीं बेलें वरना ये पतला हो जाएगा। तो बस कोई भी ग्लास कटोरी से इसे काट दीजिए, कुकिंग कटर हो तो आप काट दीजिए। और हम इसे एक टिफ़िन की मदद से इसे काट रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी नाश्तों को हम बनाकर प्लेट में रख लेंगे। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हाई फ्लेम पे आप पहले गर्म कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक यहाँ पे जो हमने नाश्ता बनाया था उसे हमें तेल में डालेंगे। हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसके ऊपर हल्के हल्के कलछी लगाइए ताकि अच्छे से फूले, और इसके ऊपर गरम गरम तेल डालिए। दोनों साइड अच्छे से अलट पलट के इसे सेक लीजिए। 1 से 2 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाते हैं। एक तरफ पकने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट दीजिए और जब दोनों तरफ ये पक जाए तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से 1-1 मिनट हमने इन्हें दोनों साइड अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है, और देखें कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो बस इसे निकाल के प्लेट में रख लीजिए। जो भी बचा एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल दीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी तेल में डालेंगे और ये अच्छे से देखे फूल रहे हैं। दोनों साइड इसे भी अलट पलट के सेक लीजिए। जब ये दोनों साइड पक जाएगा, हल्का सा देखे इसका कलर पहले से चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये पक गया है। तो इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दें और इसे प्लेट में निकाल के रख लें। इसी तरीके से सभी नाश्तों को हम बना लेंगे। काफ़ी बढ़िया से ये फूल रहे हैं।
आप इसे जब मर्जी चाहे तब बनाएं, फटाफट से ये बन जाते हैं। तो और पालक से बने हुए हैं तो काफ़ी हेल्दी भी है। सभी नाश्तों को हमने बना के तैयार कर लिया है। आप इसे बिना किसी चटनी, बिना किसी सॉस के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप सफ़र में कहीं जा रहे हो तो आप इसे ले जा सकते हो। ये 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हमने इसे पालक से बनाया है तो ये हेल्दी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।